लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नाका के खुर्शीदबाग में रहने वाले हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के घर पर आए दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से जख्मी कमलेश तिवारी को आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमलेश तिवारी के गले पर गहरी चोट है। ऐसा माना जा रहा है कि हमलावरों ने गोली के साथ साथ गला पर तेज धारदार हथियार से हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावर मिठाई के डिब्बे में चाकू और तमंचा लेकर आए थे। 10 मिनट पहले फोन किए थे, बातचीत किए, उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़े सिपाही था, वो लाठी लेकर सोया हुआ था। वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए, उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में, उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया, उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया। फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे, फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल्ड प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ, मैं बगल की दुकान से जा कर लेके आ रहा। वो सोचा मौका ढूंढ रहा था, जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया। फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ, फिर मैं गया मसाला लाने, जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरु जी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं, फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना। उसके बाद से पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। बस इसके आगे जी जी सर, 2 लगते, एक भगवा वस्त्र पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। जानते हैं, चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे। नहीं पहले नहीं, कभी फर्स्ट बार आया थे वो लोग। हाँ बाइक से थे, लेकिन ये बाइक मैं नहीं पहचाना, बाइक नहीं पहचाना, मैं ऊपर था 2 मंजिले। उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे। हाँ वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफ़ेद कलर की और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया और उसके बाद से। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर की तलाश में जुट गई। पुलिस ने घटना स्थल से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। हमला करके घायल स्थिति में ट्रॉमा से रेफर किया गया, भाई फोन पे घोषित कर दिया गया और सभी टीम लग गई और लगकर शीघ्र इसके अनावरण के बता दिए गए। गोली मारी गई चाकू है क्या? अभी डॉक्टर क्लियर करेंगे, अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। मौके से कुछ मिला है? मौके पर एक असला यहाँ पे मिला है और यहाँ पर टीम है, फील्डिंग को यहाँ पर बुला लिया गया है। जो भी आगे की स्थिति आपको शीघ्र अपडेट करा दिया जाएगा। फिलहाल टीम जो है पत्थर लग गई है, जो दोनों मिलने आए थे किसी व्यक्तिगत रंजिश को लेकर के बात लग रही है। जो लोग यहाँ पर मिलने आए थे उनका कोई रंजिश की बात नहीं, जिस रंजिश के तहत उन्होंने ये उनके परिचित भी लग रहे हैं, इस तरह से आना बचाने बात यहाँ पर बताई गई। किसी परिचित ने रंजिश के कारण ये घटना कारित करना की संभावना व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने दिसंबर 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इसे लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद कमलेश तिवारी को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के चलते गिरफ्तारी हुई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।